स्मृति ने खुलेआम कर डाली राहुल की बेइज्जती। आखिर क्यों बोली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्मृति ने राहुल गांधी को किया सरेआम बेइज्जत। राहुल गांधी को दे डाली खुलेआम चुनौती। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चुनाव को लेकर जहां एक ओर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों की एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई। कांग्रेस अब भी कई राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी पिछली बार की तरह ही इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए दो सीटों के नामांकन दाखिल करेंगे। इसे लेकर अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी की ओर से एक प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये पार्टी अमेठी से अपना उम्मीदवार घोषित करने का साहस नहीं जुटा पा रही। ऐसा लगता है कि उन्हें अमेठी की ताकत का अंदाजा लग चुका है और उन्हें पहले से ही हार का डर सता रहा है। इससे जाहिर है कि अमेठी अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर उनके नेता में हिम्मत है तो बिना मायावती अखिलेश यादव के सहारे अकेले सिर्फ अमेठी का चुनाव लड़के क्यों नहीं दिखाते, तो दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। 2019 के इलेक्शन में अमेठी का हाल। साल 2004 के लोकसभा चुनाव से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन 2014 और 2019 की मोदी लहर में राहुल गांधी का वोट 67% से घटकर 47 तक पहुंच गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। तो स्मृति के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज़ यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।